हेलो फ्रेंड्स, जेन्युइन क्लासेज में मैं अरविंद आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियोस में हमने जो पढ़ा था वो था धाराजनित्र। धाराजनित्र दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है प्रत्यावर्ती धाराजनित्र AC और एक होता है दिश धाराजनित्र DC। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और वो टॉपिक है दिश धाराजनित्र। ठीक है, हम RBSC 10th क्लास की साइंस को स्टडी कर रहे हैं, उसमें चैप्टर नंबर 10 जो आपका फिजिक्स का है, विद्युत धारा, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, हमने सारे टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है और ये टॉपिक है दिश धारा जनित्र। ठीक है ना, तो सबसे पहले वही मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण पढ़ते हैं, वो उपकरण में चार पॉइंट होते हैं। पहला, उसका उद्देश्य क्या है, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है ना, फिर उसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है, फिर उसकी बनावट क्या है, संरचना क्या है उसकी, और उसकी क्रियाविधि क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि दिश धारा जनित्र की उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है इसकी, डेफिनेशन क्या है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो आपको पता ही है, सेम ही होगा जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का था, वही दिश धारा जनित्र का होगा। ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का क्या था कि यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करते हैं, विद्युत ऊर्जा में। किसमें परिवर्तित करते हैं, विद्युत ऊर्जा में। तो वह युक्ति या वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, वो क्या कहलाती है, दिश धारा जनित्र। ठीक है ना, और ये सेम डेफिनेशन थी एसी की, एसी जनरेटर की, मतलब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की डेफिनेशन थी। यही सेम डेफिनेशन किसकी है, दिश धारा जनित्र की, कि वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को, किसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, दिश धारा जनित्र। यांत्रिक ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगी, मैंने बताया आपको, गांव में जो जनरेटर होते हैं उसको ईंधन डालते हैं, ईंधन से वो घूर्णन करता है, घूर्णन से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है ना, किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में, और वो विद्युत ऊर्जा में इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज में लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि ये जो विद्युत ऊर्जा है, अब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिश धारा जनित्र में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, मैंने आपको बताया था कि उसकी कार्यविधि में क्या होता है, वो प्रत्यावर्ती है। प्रत्यावर्ती मतलब अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब कि समय के साथ धारा की दिशा बदलती थी उसमें, कि आधे घूर्णन में धारा की दिशा अलग होती थी, आधे घूर्णन में धारा की दिशा अलग होती थी, हर आधे घूर्णन में धारा की दिशा बदलती रहती थी, क्योंकि वो प्रत्यावर्ती है, अल्टरनेट चेंजेस हो रही है इलेक्ट्रिसिटी। बट इसमें क्या होगा, इसमें जो धारा की दिशा है, इसमें जो विद्युत ऊर्जा से विद्युत धारा उत्पन्न होगी, और जो विद्युत धारा की दिशा है, विद्युत धारा की दिशा किसकी दिशा, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा समय के साथ नियत होती है। क्या होती है, नियत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, यही, बाकी सब कुछ सेम है, डायग्राम भी मिलता जुलता ही है, मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस है मैकेनिज्म में, भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, सेम ही होते हैं दोनों, प्रत्यावर्ती और दिष्ट। बट डिफरेंस इतना होता है, प्रत्यावर्ती में धारा की दिशा समय के साथ बदलती है, और दिष्ट में विद्युत धारा की दिशा समय के साथ नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है, मतलब चेंजेबल नहीं होती है। ठीक है, अब उद्देश्य हो गया सिद्धांत। सिद्धांत वही विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करेगा। सिद्धांत क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या सिद्धांत होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, किसके सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या आधारित होगी, दिश धारा जनित्र। ठीक है, बात आती है बनावट की, किसकी बात आती है, अब बनावट की, इसकी संरचना क्या होगी, बनावट क्या होगी। तो ये रहा आपका पूरा स्ट्रक्चर, विद्युत दिष्ट धारा जनित्र, वही बड़े बड़े चार क्षेत्र चुंबक होंगे, सॉरी दो क्षेत्र चुंबक होंगे, बड़े बड़े नाल, एक एन मतलब नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, ये बड़े बड़े पोल होंगे जिनको हम क्षेत्र चुंबक बोलते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज क्या हो गई, क्षेत्र चुंबक, ये बड़े बड़े नाल होते हैं जो चुंबक होते हैं मैग्नेट, इन्हें हम क्षेत्र चुंबक कह सकते हैं। दो ध्रुव होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, ये आर्मेचर के दोनों तरफ होते हैं। दूसरा कुंडली, और कुंडली को हम क्या कहते हैं, इसमें आर्मेचर, क्या बोलते हैं, आर्मेचर। तो यहां पर क्या हो गया, ये आर्मेचर, या अब आर्मेचर मैंने बताया था कच्चे लोहे की
कच्चे लोहे की धातु होती है, उस कच्चे लोहा जो है उस पर हम तांबे का तार लपेट के कुंडली बनाते हैं, उस कुंडली को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, आर्मेचर कहते हैं। तो ये एक आयताकार कुंडली है, कैसी कुंडली है, एक आयताकार कुंडली होती है, ए बी सी डी एक आयताकार कुंडली आपको दिख रही है, इस आयताकार कुंडली को हम क्या कहेंगे, आर्मेचर। क्या बोलेंगे, आर्मेचर। इसके बीच में मैं शाफ्ट लगा देता हूँ, क्योंकि जब तक मैं शाफ्ट नहीं लगाऊंगा ये घूर्णन नहीं करेगी। मुझे मोटर को घुमाना है, किसी भी चीज़ को घुमाना है, जैसे मेरे को उसको घुमाना है, तो मुझे इसको बीच में कुछ लगाना पड़ेगा इससे घूम सके, बिना लगाए मैं इसको घुमा नहीं सकता, ऐसे नहीं घुमा सकता इसको, कुछ लगा के बीच में फिर घुमाना पड़ेगा। तो साफट लगाने के बाद ये कंटिन्यूस एंगुलर मूवमेंट या कह सकते हैं इसको घूर्णन करेगा, ठीक है ना, इसको चेंज होता रहेगा आर्मेचर। तीसरा जो है, इसमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र की जो बनावट है उसमें जो डिफरेंस होता है, वो मेनली जो डिफरेंस है वो यही है कि वहां तो हम C1 C2 S1 S2, तो S1 S2 क्या होता है, वो सर्पी वाले होते थे, यहां पर क्या है C1 C2 दिक परिवर्तक, मैं बोलता हूं इनको कौन सा, दिक परिवर्तक या कम्यूटेटर, दिक परिवर्तक या इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर, क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं। ये कम्यूटेटर दो होते हैं, C1 और C2, ये C1 और ये C2, ये बड़े बड़े जो हैं ये मैं बता रहा हूँ, ये वाला एक ये वाला, ये दो जो हैं ये क्या है, कम्यूटेटर है, इनको दिक परिवर्तक बोलते हैं, ये दोनों को विभक्त करके रखते हैं। दिक परिवर्तक का मतलब दोनों को अलग अलग सेपरेट करके रखेंगे, और ये जो C1 है ये जुड़ा रहेगा B1 से, और ये जो C2 है ये जुड़ा रहता है B2 से, और B1 B2 कार्बन की बनी हुई ब्रश होती हैं। क्या होती हैं, कार्बन की बनी हुई ब्रश होती हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या होगा इसमें, और इस ये जो ब्रश है इनका हमने संयोजन किससे कर दिया, लोड से कर दिया। तो ये तो इसकी बनावट हो गई, ये क्षेत्र चुंबक हो गया, ये आर्मेचर हो गया, इसके बीच में साफट लगा ली जिससे घूर्णन कर सके, ये दो क्या हो गए, दिक परिवर्तक या कम्यूटेटर C1 C2, और इसका संयोजन जो ब्रश से जुड़े रहते हैं, जिनका संयोजन मैंने किससे कर दिया, लोड से। अब थ्योरी में आप कैसे लिखोगे, ये तो डायग्राम हो गया, थ्योरी में भी आप यही लिखोगे जो मैंने बोला है कि दो बड़े चुंबकीय नाल ले लिए, क्षेत्र चुंबक कहते हैं, एक आर्मेचर ले लिया जो घूर्णन करेगा, उसके बीच में शाफ्ट लगा दी, ठीक है ना, उससे सटा के बिल्कुल दो क्या लगा दिए मैंने, दिक परिवर्तक जिन्हों कम्युनिकेटर कहते हैं, और इनको संयोजन किससे कर दिया, ब्रश से। तो C1 B1 से जुड़ा रहेगा, C2 B2 से जुड़ा रहेगा, और इसको कैसे संयोजन कर दिया मैंने, लोड से। ये तो इसकी बनावट हो गई। लास्ट पॉइंट जो है इसकी क्रियाविधि की, वर्किंग प्रोसेस क्या है, वर्किंग कैसे करता है, ठीक है ना। तो आप यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, कार्य कैसे करता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है या उपकरण जो भी बोल सकते हो आप, ये वर्क कैसे करेगा, कार्य कैसे करेगा। तो यहां पर इसकी कार्य विधि या क्रियाविधि बोल सकते हैं, वर्किंग प्रोसेस क्रियाविधि इसकी क्या होगी, ठीक है ना, क्रियाविधि। तो हमने एक फैक्ट पढ़ा है इसका, दिश धारा जनित्र का, वो फैक्ट क्या था कि धारा की दिशा कुंडली घूर्णन करेगी, हर आधे चक्कर में घूर्णन होगा, लेकिन धारा की दिशा बदलेगी, बट समय के साथ क्या होगी, नियत होगी, कांस्टेंट होगी। धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा समय के साथ नियत होती है, मैं बता चुका हूं यहां पर, नियत होती है, कांस्टेंट होगी। यही डिफरेंस है प्रत्यावर्ती में दिष्ट में। अब ये इसको हम चुंबकीय फ्लक्स देंगे। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में तो रखा हुआ है क्योंकि दोनों तरफ चुंबक है, ये आर्मेचर, ये कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है। तो ये जब घूर्णन करेगी, तो घूर्णन करने के बाद इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, फिर ये घूर्णन करेगी तो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, और यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, विद्युत ऊर्जा में, और यही हम चाहते हैं। अब ये जब ये हर आधे चक्कर में घूर्णन करेंगे तो ये जो ए से बी और सी डी है ना, तो ये इधर आ जाएगी और सी डी इधर आ जाएंगे, तो ये सर्पी वाले और जो दिक परिवर्तक और जो ब्रश हैं ये भी घूमते रहेंगे, हर आधे घूर्णन में ये रोटेट होते रहेंगे, एक बार B1 C1, एक बार B2 C2, फिर एक बार B1 C1, एक बार B2 C2, ये रोटेट होते रहेंगे, और ऐसे धारा विद्युत धारा उत्पन्न होती रहेगी, ठीक है ना। तो ये इसका वर्किंग प्रोसेस है, सेम ही है, बस एक फैक्ट आपको याद रखना है कि उसमें तो क्या होता था,
धारा की दिशा समय के साथ बदलती थी, इसमें समय के साथ बदलती नहीं है, नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है, बाकी प्रोसेस वही रहते हैं। हर आधे घूर्णन में धारा की दिशा मतलब कि समय के साथ नियत रहती रहेगी और ये विद्युत धारा उत्पन्न होती रहेगी। तो ये दिश धारा जनित्र जिसको हमने अच्छे से पढ़ा है, आप नोट्स बनाइए साथ में, ठीक है ना, और आप अच्छे से समझिए। आपको फिर भी समझ में नहीं आया मैं वापस से समझा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो, सर हमें वापस बताओ हमें समझ में नहीं आया, ठीक है ना। मैं वापस से बता देता हूँ, मेरा मिशन इस चैनल पर है कि 9th 10th 11th 12th साइंस को बहुत अच्छे लेवल पर पहुँचाना, ठीक है ना। मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड करें, ये चैप्टर आज खत्म हो गया है, इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसका एक और वीडियो मैं सेपरेट बना दूंगा बाद में, अभी आज ये चैप्टर एंड हो गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और जेन्युइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।